हेलो दोस्तों, आपका माहेश्वर चैनल में दिल से स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे हिट कीजिए। इस वीडियो में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे सिल्वर का। तो सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। लगभग एक महीने से डाउन ट्रेंड चल रहा है सिल्वर में और इसका जो टॉप निकल के आ रहा था, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 71,500 के आसपास इसका टॉप निकल के आ रहा है। सीधा वहां से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी तक इसने ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया है। आप देख सकते हैं अभी तक इसने ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया है और इसने ये बॉटम बनाया था 58,500 के आसपास। तो ये सीधा अभी तक ये डाउन ट्रेंड में है और इसमें हम क्या कर सकते हैं ये देखेंगे इस एनालिसिस में। दोस्तों, ये जो बॉटम बना है, इससे पहले एक बार 58,000 के आसपास बॉटम बनाया था और ये सब बॉटम को ये तोड़ के यहाँ तक ये आ गया है। इससे पहले ये जो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था 61,500 के आसपास, लेकिन ये सपोर्ट लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया और ये सीधा जाके इसने नया बॉटम बनाया 58,500 के आसपास। तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए ये देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सिल्वर में जो ये नया बॉटम बना है, ये नया सपोर्ट लेवल इसने बनाया है 58,500 का। तो ये सबसे नीचे का ये बॉटम लेवल है, इसको हम सपोर्ट लेवल मान के चल सकते हैं। अभी ये इसने जो रिट्रेस किया है, ये लगभग 59,060,000 के 59,900 और 60,000 के आसपास इसका ये करंट प्राइस चल रहा है। तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से इसने ये थोड़ा ब्रेकआउट ले लिया है और इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन इसमें एक बात है दोस्तों कि हमें अब पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एक महीने से डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसका ये डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा इसमें हम देख सकते हैं। अभी देखो 58,500 के पास हम सपोर्ट लेवल मान के चलेंगे और यहाँ से इसने ये रिट्रेस करके 60,000 के आसपास अभी ये एक्युमुलेशन चल रहा है इसका। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम बाय की तरफ अभी मुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये जो लेवल निकल के आ रहा है, ये सबसे निचला लेवल है और यहाँ से हम बाय की पोजीशन ले सकते हैं। और इसमें जो हम बाय की पोजीशन ली, तो इसमें हमें स्टॉप लॉस 58,500 के आसपास रखना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे इसने एक बार ये 58,500 का लेवल ब्रेक कर दिया तो हमें नया बॉटम लेवल देखने को मिल सकता है 55,000 के आसपास, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इसके नीचे चला जाएगा और यहाँ से ये ऊपर भागेगा और यहाँ से इसने रिट्रेस करके ऊपर जाता है तो हमें नए लेवल देखने को मिल सकते हैं 65,000, 66,000। लेकिन ये कब भागेगा? जब तक ये 62,000 को क्रॉस नहीं कर देता तब तक ये नए लेवल हमें देखने को नहीं मिलेंगे और जब तक ये 62,000 की लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें मान के नहीं चल सकते कि ये डाउन ट्रेंड इसने ब्रेक कर दिया है और ये अप ट्रेंड की तरफ भाग रहा है, ऐसा नहीं मान सकते। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें यहाँ पे बाय कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए हम इसमें 58,500 का स्टॉप लॉस लगा के
इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम स्टॉप लॉस इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस हमेशा हिट होने का चांसेस रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसमें पोजीशन बनाएंगे, और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये डेफिनेटली हमें 67,000 इसके आसपास ये नेक्स्ट मंथ तक जाते दिखेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में हमें पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस लेके चलना होगा, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 58,500 के आसपास। तो इसने ये जबरदस्त बॉटम बनाया है, नया बॉटम है ये नया सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से ये रिट्रेस होके आगे की तरफ भागेगा है ये हम कह सकते हैं। तो इसमें हमें बाय की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन ये किसी को एडवाइस नहीं है कि ये बाय की पोजीशन ले। आपको बाय की पोजीशन लेनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ले सकते हैं। ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और मंडे ट्यूसडे को हम ये बाय की तरफ ट्रेंड बदलता हुआ देख सकते हैं, ये अब ट्रेंड में बदलता हुआ देख सकते हैं। तो ये था हमारा सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस, और आगे हम इसमें क्या पोजीशन करेंगे ये नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। टिल देन बाय।